थ्रोट इन्फेक्शन जो बारिश में सबसे ज्यादा परेशान करता है। गले के अंदर खराश आने लगती है, गले में दर्द होने लगता है, सूजन आने लगती है और इस प्रकार से गले के अंदर बहुत तेज चुभता रहता है और उसी के साथ और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं। जैसे अगर गले का संक्रमण ज्यादा होता है तो पानी पीने में और खाना खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, साथ में ही दर्द इतना तेज रहता है कि गर्दन में, कानों के पीछे सिर दर्द और बुखार जैसा संक्रमण होने लगता है। अगर आपको बारिश के मौसम में इस प्रकार से थोड़ा सा भी अगर सिम्टम नजर आता है तो तुरंत आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। तो ये रेमेडी काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे बारिश के मौसम के अंदर अगर किया जाए तो आपके गले संबंधित सारी बीमारियों को ये खत्म करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे वीडियो के अंदर रीजन की, रेमेडी की और रिमूव की, तो सबसे पहले रीजन जानते हैं। इसके मौसम में गले में अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, वायरस या फिर बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ है, जैसे कि अगर आप कोई सा पानी पीते हैं और वो पूरी तरह से क्लीन नहीं है, पानी के अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरिया है, आपने हाथों को अच्छे से क्लीन करके कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो भी आपके गले संबंधित रोग बढ़ सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वायरल संक्रमण रहता है, बैक्टीरिया का संक्रमण रहता है, जिसके कारण थ्रोट इन्फेक्शन ज्यादा रहते हैं। अगर तला हुआ मिर्च मसालों का पूरा पानी पी लिया जाए तो भी इस प्रकार का संक्रमण अचानक से देखने को मिलता है। तो अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन इस तरह से लग रहा है कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ी सूजन जैसा लग रहा है, टोन्सिल के अंदर सूजन आ गई है, गले के अंदर कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है, कुछ चुभन सा लग रहा है, तो इस रेमेडी को आप करेंगे, इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। गले के ऊपर मैंने कई तरह की वीडियो बना रखे, आप चाहे तो उनको भी एक बार जाकर जरूर देखें। सारे की सारी रेमेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, पूरी तरह से नेचुरल है, आपको 100% इफेक्ट देगी। पहली रेमेडी काफी ज्यादा यूजफुल है, जैसे कि अगर आपको गले का कोई भी संक्रमण होता है तो गले को साफ करना है, डेटॉक्स करना है, बैक्टीरिया को खत्म करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर गरारे करना है। गरारे करने के लिए आप क्या करें, कई तरह के पानी बना सकते हैं जो मैं कई वीडियो के अंदर बताती हूँ। तो अगर बारिश के मौसम में इस प्रकार से गले के अंदर आपको दर्द महसूस होता है, जलन लगती है, तो बारिश के मौसम के लिए स्पेशल पानी होता है, पर आपको तुलसी के पानी का प्रयोग करना है। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और काफी ज्यादा जल्दी से आपके गले को सही करती है। तो आपको क्या करना है, 5-7 तुलसी के पत्तों को तोड़ लेना है और 1 ग्लास पानी के अंदर उनको तोड़ करके और उनको मिक्स करके, कूट करके, ऐसे ही आप पत्तों को डालकर पानी को अच्छे से बॉईल कर लीजिए। फिर उस पानी से आप गरारे करें। इस पानी से गरारे करने से आपके गले के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और सारा वायरस संक्रमण बिल्कुल सही होने लग जाएगा। तो इस तरह से पहले आपको गरारे करने और साथ में ही दूसरी रेमेडी को भी फॉलो करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लहसुन की कली लेंगे, उसको कद्दूकस करके उसका रस निकाल लेंगे और एक छोटा सा पिंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और उसको भी अच्छे से छील कर कद्दूकस करके उसका भी रस निकाल लेंगे। यानी कि आपको लहसुन का और अदरक का दोनों का रस निकालना है 1-1 चम्मच और एक कटोरी के अंदर 1 चम्मच अदरक का रस ले लेना है, 1 चम्मच लहसुन का रस ले लेना है, उसी के अंदर आपको 1 चम्मच भर का शहद मिक्स कर देना है। बस इस मिश्रण को बनाकर आप खाएंगे, तुरंत ही आपको गले के अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण लग रहा था उसमें आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। सूजन को, जलन को तुरंत सही करता है, अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो उससे आराम मिलता है। लहसुन अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरे होने के कारण आपको तुरंत ही जलन, दर्द, खिंचाव से निजात दिलाएंगे और वो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। तो बस इस रेमेडी को आपको करना है। मैं कुछ चीजों को जरूर परहेज करें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ना पिए, चाय कॉफी ज्यादा ना पिए, अगर गले के संक्रमण रहते हैं तब तक गर्म पानी का सेवन करें, अचार का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस तरह से कुछ परहेज करेंगे और इस रेमेडी को करेंगे तो इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। जानकारी कुछ यूजफुल रही है तो लोगों के साथ जरूर शेयर करें और एक बेल आइकन है जो लोगों ने प्रेस नहीं कर रखा है तो उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।